हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के एम अवे ऑफ सक्सेस मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यसकी एम स्टडी में और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आज अध्याय चार बोले तो जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्शन हेल्थ पूरा कम्प्लीट पढ़ने वाले हैं पूरा कम्प्लीट नोट्स मिलेगी और इसका नोट्स जैसे यहाँ पर हमारा अध्याय पाँच तक समाप्त होता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल या एम स्टडी पर कर दूंगा तो टेलीग्राम पे हमारा यस के एम स्टडी है वहाँ पे आप टेलीग्राम डाउनलोड करें वहाँ पे एसके एम स्टडी सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा वहाँ पे हम नोट्स पूरा पूरा भेजते हैं वहाँ पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ये आपका कंप्लीट आज चैप्टर होने वाला है जनन स्वास्थ्य बोले तो रिप्रोडक्शन हेल्थ ये अध्याचार है क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फोर है हिंदी मीडियम वालों के लिए पूरा एन -E पैटर्न पर आधारित हम आपको नोट्स लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं और आप एक अच्छा सा प्यारा सा नोट्स आप बना लीजिए जो कि आपके लिए काफी इम्पॉर्टेंट होगा तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह जनन स्वास्थ्य होता क्या है अगर यह आपका चैप्टर है तो सबसे पहले चैप्टर के बारे में जाने तो सही कि जनन स्वास्थ्य होता क्या है ठीक है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ही बोलते हैं हम लोग डब्लू एच ओ के अनुसार जनन के सभी पहलू जैसे शारीरिक मानसिक भावनात्मक व्यवहारगत व सामाजिक आदि की पूर्ण सबकुशलता की स्थिति ही जनन कहलाता है बात संज्ञाय जनन क्या होता है जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक शारीरिक मानसिक शारीरिक मतलब जो आपका शरीर है यह आपका मेंटेन रहना चाहिए यानी कि अच्छा रहना चाहिए इसमें कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए टूट फूट मानसिक आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए भावनात्मक मानसिक भावनात्मक भावनात्मक मतलब जो आपके अंदर भावना है वो अच्छी है कि नहीं निगेटिव तो भावना नहीं आती किसी के प्रति व्यवहारगत व्यवहारगत मतलब कि आपका व्यवहार कैसा है आपके दोस्त दोस्तों से आपके घर वालों से आपके गर्लफ्रेंड से आपके बॉयफ्रेंड से आपके जो भी हो रहते हैं ना अगर लड़के लड़के बॉयफ्रेंड हुए तो इस प्रकार जो भी रहता है तो ये जो सब होता है वह व्यवहारगत होता है वह सामाजिक सामाजिक मतलब समाज में आपके अंकल से आपके पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी से कैसा व्यवहार है आदि का पूर्ण सकुशलता पूर्ण सकुशलता का मतलब ये है कि एक अच्छा सा रहे इतना जितना भी है सबका रहे अच्छे से रहे कि स्थिति ही जनन स्वास्थ्य कहलाती है अब आती है आपकी जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं एवं कार्य यानी जनन स्वास्थ्य संबंधित क्या क्या समस्याएं होती हैं और उसके क्या क्या कार्य हैं तो भारत जैसे विशाल देश में अनेक प्रकार की समस्याएं जैसे अशिक्षा अंधविश्वास व रूढ़ियों ने उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद जनन स्वास्थ्य के उद्देश्य प्राप्ति को मुश्किल बना दिया है जो कि जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ऐसी हैं कि भारत एक बहुत ही विशाल देश है इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है जैसे कि पहली अशिक्षा अशिक्षा मतलब कि शिक्षा है ही नहीं अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो कहते अरे घर पे ही इनको काढ़ा पिला के सही कर लेंगे अभी तो कोरोना है कोरोना में आप लोग काढ़ा पी के हो सकते हैं पैरासीटामोल खा के लेकिन और सारे ऐसे हैं कि जो कि आप घर पे ठीक नहीं कर सकते अंधविश्वास भैया आप उन किसी लड़के को उल्टी होने लगी यानी दस्त हो गया तो अब चले गए कहाँ पे झाड़ फूंक करवाने के लिए व रूढ़ियों ने उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद भी जनन और स्वास्थ्य के लिए क्या है उद्देश्य प्राप्ति को मुश्किल बना दिया अभी किसी बच्चा नहीं हो रहा है तो पहुँच जाएंगे हकीम आलम के पास हाँ इतने रोगी मिले शाम को सुबह से लेके छ से सात बजे तक वहाँ पे फूंक करवाने लगेंगे तो जिसके अंदर आंतरिक प्रॉब्लम है तो क्या उसको झार फूक के सही किया जा सकता है क्या नहीं ना अगर मान लीजिए आपके हाथ में चोट लग गई तो बताइए अब उसको झार फूक के वो सही कर दे नहीं सही कर पाएंगे लेकिन सबकी मानसिक जो समस्या है ये अलग अलग है सोच अलग अलग है नहीं समझ पाते इसीलिए इन्ही सब में घूमते रहते हैं अब जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं कैसी कैसी उत्पन्न होती हैं यानी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो पहला ये समस्या है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के कारण यौन संबंधित बात करना सही नहीं माना जाता ऐसा अगर यौन संबंधित बातें करेंगे तो ये रोगी है इनको बच्चा नहीं हो रहा है तो कहीं अगर गलत बात है ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे अनेक लोगों की यौन विषय समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है और वे लोग के कुचक्र में क्या हो जाते हैं फंस जाते हैं और उन्हीं के चक्कर में वो नाचती रहती हैं। अगला है जनसंख्या विस्फोट जन स्वास्थ्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए बाधक बना हुआ है ये जनसंख्या विस्फोट क्या होता है जैसे कि अब एक बाप है तो एक बाप की दस बेटी तो जनसंख्या विस्फोट ही, ही हुआ ना अभी हाल ही में एक महिला है नाम तो नहीं याद आ रहा है उन्होंने नौ बच्चों का जन्म दिया बताइए अगर एक एक महिला नौ नौ बच्चों का जन्म देने लगे एक साथ तो तो दो बार में तो 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 बच्चे जन्म दे देगी ना तो सोचिए तो कितनी जनसंख्या विस्फोट होगी होगी कि नहीं किशोरों में लैंगिक जनन की जिज्ञासा प्रबल होने से लेकिन होती है लेकिन इन्हें यौन शिक्षा से वंचित रखा जाता है जिससे समस्याओं बहुत सारी ऐसी अनेक समस्याएं होती है जो कि जन्म देती हैं लोगों को जनन अंगों की संरचना व कार्य विषयक जानकारी न होने से भी जन स्वास्थ्य जैसी समस्या उत्पन्न होती है और यौन संचारित रोगों से संबंधित समाज में अनेक है, भ्रांतियाँ हैं यानी भ्रांतियां बोले तो भ्रांतियां लिख लीजिए भ्रांतियाँ हैं वह सही जानकारी का अभाव होना भी हमारी एक क्या है बहुत बड़ी समस्या है अगला कन्या भ्रूण हत्या और अगला अवैध लिंग परीक्षण कहते हैं कि हमें बेटा चाहिए बेटी चाहिए तो लिंग परीक्षण करवाते हैं तो ये सब जो होती है ये सब इसी के अंतर्गत आती है गर्भ निरोधक जल नियंत्रण उपाय के बारे में जानकारी का अभाव होना यानी कि गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी नहीं है और बच्चे बच्चे क्या करते जा रहे हैं पैदा करते जा रहे हैं शिशुओं को पर्याप्त समय तक स्तन पार पार संबंधित जानकारी का अभाव होना बाल विवाह सामाजिक उत्पीड़न लड़का लड़की में भेद अशिक्षा सुरक्षित प्रसव सुविधाओं की कमी और क्या बाझपन चिकित्सी सहायता की कमी इत्यादि जो भी रहती है जनन स्वास्थ्य की क्या रहती है बहुत बड़ी समस्याएं बन के उभरी हुई हैं ये सब अब आपका आता है जनन स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु किए गए सरकारी प्रयास यानी कि जनन स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जो जन संबंधी समस्याएं ना उत्पन्न हो ऐसे क्या क्या सरकारी प्रयास किए गए थे तो पहला किया गया था परिवार नियोजन कार्यक्रम बोले तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम तो भारत में परिवार नियोजन का प्रयाप, का प्रारंभ सन उन्नीस में हुआ जन स्वास्थ्य के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तो यह सर्वप्रथम सबसे बड़ा प्रयास था परिवार नियोजन का एकमात्र उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण था सन 1977-1978 के पश्चात परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण का कार्यक्रम यानी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कर दिया गया दूसरा क्या क्या किया गया राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाई गई व्यापक प्रतिरक्षीकरण यानी बोले तो टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चलाया गया जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम इत्यादि चलाए गए थे ओके अब आप कहता है मेरे प्यारे बच्चों गर्भ निरोधक अब हम लोग जानते किसके बारे में गर्भ निरोधक के बारे में चलिए चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा याद रखिएगा ठीक ना चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और अपने के दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना है जो भी आप पढ़ रहे हैं तैयारी कर रहे हैं बोर्ड होने दीजिए बोर्ड जब होगा तो देखेंगे और उसकी तैयारी भी हम करवा देंगे आपको टेंशन नहीं लेना है तो गर्भ निरोधक गर्भ निरोधक क्या होता है एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला आसानी से उपलब्ध प्रभावी है जिसका कोई अनुसंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं होता है नहीं हो, तो कम से कम से होना चाहिए। इसके साथ ही यह अवसर बहुत अधिक होने के उपयोगकर्ता की कामेच्छा, प्रेरणा और मैथुन में बाधक न हो गर्मरोधक को निम्न श्रेणियों में वर्गित किया गया गर्भरोधक ये होता है कि जैसे कि गर्भ को धारण करने में क्या करे उसमें अवरोध बने गर्भधारण ना हो उसको क्या करते गर्भ निरोधक कहते हैं इसकी कई सारी विधियां होती है पहली होती है प्राकृतिक विधियां तो यह विधियां अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है और प्राकृतिक विधिया हमारी दो प्रकार की होती है पहली होती है अवधिक संयम और दूसरी होती है स्तनपान स्तनपान आनावर्त तो ये क्या होती है इसमें एक दंपति महावारी चक्र के दसवें से सातवें दिन के बीच अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं जिसे अंडोसर्जन की आपेक्षिक अवधि मानते हैं इस अवधि के दौरान निषेचन एवं गर्भधारण के अक्सर बहुत बहुत अधिक होने के कारण इसे निषेच अवधि कहा जाता है इसी इस तरह से इस दौरान मैथुन न करने पर गर्भाधारण से बचा जा सकता है दूसरा है स्तनपान यानी कि आनावर्त तो यह विधि भी इस प्रकार का तथ्य निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दुआवरण यानी कि अंडोसर्ग और आवर्त चक्र जो होता है वह नहीं होता है इसीलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराती है यह अवधि चार से छह चा महीने तक होती है गर्भधारण के अवसर लगभग शून्य होते हैं यह विधि प्रसव के बाद ज्यादा से ज्यादा छह माह तक ही कारगर मानी जाती है अब आती है रोधविधियाँ और रोधविधियाँ कौन कौन सी होती हैं इस विधियों के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने को रोका जाता है इस प्रकार के उपाय पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध होता है वहीं निरोधक का उपयोग होता है जिसमें पतले रबर और लैक्टेस से बनाया जाता है ताकि इसके उपयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री के विजाइना एवं गर्भाशय ग्रीवा को अगर देखें तो कह सकते हैं रिपोर्डक्टन से ठीक पहले दिया जाता है और स्त्री के है। है आयुडी विधि मेरे प्यारे बच्चों है किसके लिए तो यह गर्भ निरोधक के रूप में भी अपनाई जाती है तो भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि अंत गर्भाशय युक्ति का उपयोग है ये युक्ति या डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा विजाइना मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है आजकल विभिन्न प्रकार की अंत गर्भाशय युक्तियाँ उपलब्ध हैं जैसे कि औषधि रहित तो इसमें हमारी आयुडी इसका और उदाहरण क्या होता है लिप्सप लूप और इसमें एक आता है तांबा मोचक यह भी हमारी आयुडी के अंतर्गत आता है तांबा मोचक आयुडी गर्भाशय के अंदर कापर आयन मोचित करने के लिए शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उसकी निषेचक क्षमता को कम करती है उदाहरण के लिए जैसे कापर टी कापर सेवन मल्टीलोड तीन सौ पचहत्तर इत्यादि जितने भी आती हैं इसी के अंतर्गत आती हैं अगला आता है हार्मोन्स हार्मोन मोचक तो हार्मोन मोचक आयुडी गर्भाशय के अंदर कापर भ्रूण के रोपण को अनुपयुक्त तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोध बनाते हैं जैसे कि प्रोजेस्टोर्क एल एन जी ट्वेंटी जितने भी होते हैं अगला है मुंह से लेने योग्य और एवं यानि कि जो कि मुंह के द्वारा कि दवाइयों का उपयोग किया जाता है तो महिलाओं द्वारा खाए जाने वाला एक, एक एनिगर्भ निरोध निरोधक प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का संयोजन है जिसे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा टिकिया के रूप में लिया जाता है यह गोलियां पिल्स के नाम से लोकप्रिय हैं यह गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है और इसे आवर्त चक्र के प्रथम पांच दिनों मुख्यतः पहले दिन से शुरू करनी चाहिए और गोलियां समाप्त होने के सात दिनों के अंत अंतर के बाद पुनः ऋतुस्राव शुरू हो जाता है अगला इसमें सहेली तो यह सहेली क्या होती है सहेली नामक गर्मरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषध सद अनुसंसधान अनुसंधान संस्थान ने की है सहेली नामक गर्भ गोली गैर स्टेराइडल सामग्री है यह हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है और स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टिजन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इनका संयोजन भी टीके या त्वचा के नीचे अंतरूप के रूप में किया जाता है इसके कार्य की विधि ठीक गर्भ निरोधक गोलियों की भांति होती है तथा लंबी अवधि के लिए प्रभावी होती है मैथुन के बहत्तर घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टेजन व प्रोजेस्टोजन संयोजनों का प्रयोग या आयोडी का उपयोग को आपातकालिक गर्मरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया गया है और इन्हें जैसे कि अगर कह सकते हैं बलात्कार या फिर सामान्यतः जितने भी हमारे असुरक्षित यौन संबंधी समस्याओं होने कारण वाली संभावित सगर्भता से बचने के लिए भी इसको लिया जा सकता है अगला है सल शल क्रियात्मक विधिया तो शल क्रियात्मक विधिया, क्या, क्या क्रियात्म विधिया जिन्हें भी हैं प्रायः उन लोगों के लिए सुझाई जाती हैं जिन्हें आगे गर्भव्यवस्था नहीं चाहिए गर्भवस्था जो है नहीं चाहिए तथा वे इसे अस्थायी माध्यम के रूप में अपनाना चाहते हैं शल्य क्रिया की दखल दखल अंदाजी से युग्मक परिवहन रूप रोक दिया जाता है फलतः गर्भाधान नहीं हो पाता बद्यकरण प्रक्रिया को पुरुषों के लिए शुक्रवाहक उच्छेदन तथा महिलाओं के लिए डिम्बवाहिनी नलिका उच्छेदन कहा जाता है अब इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं शुक्रवाहक उच्छेदन क्या होता है तो शुक्रवाहक उच्छेदन में अंडकोश शुक्रवाहक में एक चीरा मारकर छोटा सा भाग काटकर निकाल लिया जाता है और अथवा उसको हम कह सकते हैं बांध दिया जाता है अगला है डिम्बवाहिनी उच्छेदन यह क्या होता है तो स्त्री के उदर में में छोटा सा चीरा मारकर अथवा विजाइना द्वारा डिम्बवाहिनी नली का छोटा सा भाग निकाल या बांध दिया जाता है अगला आता है सगर्भता का चिकित्सीय समापन ये सग, सगर्भता का चिकित्सीय समापन क्या होता है तो गर्भावस्था पूर्ण होने से जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सी सगर्भता समापन कहते हैं सग सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता के बारह सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सी सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफ़ी सुरक्षित माना जाता है अब आता है आपका बंधता ये बद्धता क्या होती है तो भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत सी दंपत्ति बद्ध हैं अर्थात उम्रयुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद कि बच्चे पैदा कर पाने में असमर्थ हैं इसके कारण हो सकता है जो कि शारीरिक जन्मजात रोग अन्य औषधिक प्रतिरक्षात्मक और यहाँ तक कि वे मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है भारतवर्त भारतवर्ष में प्राय दंपतियों में बच्चा न होने का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता है जबकि प्रायः ऐसा नहीं होता यह समस्या पुरुष साथी में भी हो सकता है उसके कारण भी बच्चा नहीं हो सकता है लेकिन सबसे ज्यादा महिलाओं को दोष दोषी माना जाता है विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइया नैदानिक जांच में सहायता हो सकती हैं, और इन विकारों का उपचार केवल दंपत्यों को बच्चा पैदा करने में मदद दे सकती है अगली आती है परख नली शिशु यह परख नली शिशु क्या होती है तो इन विट्रो निषेचन भ्रूण का इन विट्रो विकास तत्पश्चात सामान्य स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण के स्थानांतरण का प्रक्रिया को परख नली शिशु कहते हैं शिशु कहते हैं परख नली शिशु की उत्पत्ति सर्वप्रथम प्रयास इटली के वैज्ञानिक डॉक्टर पेटुसी ने उन्नीस में किया था परख नली शिशु की प्रक्रिया क्या है तो यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है पहला सर्वप्रथम स्त्री के जनन पथ से सीज द्वारा अनिश्चित अंडा लिया जाता है अब अंडाणु तथा शुक्राणु का एक संवर्धित माध्यम में निषेचन कराया जाता है है जिसे हम लोग जिससे क्या होता है? बनता है। अब ये अजर्म परिस्थितियां में सुरक्षित रखा जाता है साथ ही साथ स्त्री के पति के विस्पर्म भी एकत्रित कर लिए जाते हैं और युवनज को इन विट्रो में बत्तीस कोश की अवस्था तक परिवर्तित होने दिया जाता है अब आता है आपका मेरे प्यार बच्चों सरोगेट माँ यह सरोगेट माँ क्या होती है तो कुछ विरल परिस्थितियों में इन विट्रो निषेचित अंडाणुओं को परिपक्व होने के लिए सरोगेट माँ का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों में स्त्री के अंडाणुपतिक शुक्राणु का कृत्रिम निषेचन कराया जाता है तथा भ्रूण बत्तीस कोष की अवस्था में किसी अन्य इच्छुक स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है यह स्त्री सरोगेट माँ कहलाती है तथा भ्रूण के पूर्ण विकसित होने पर शिशु को जन्म देती है अब आपका आता है आई वी एफ आई वी एफ का नाम आप सुने होंगे पेपर में भी इसका ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट चलता है आई वी एफ भ्रूण स्थानांतरण के प्रकार तो आई वी एफ भ्रूण स्थानांतरण कितने प्रकार की होती है तो भ्रूण स्थानांतरण की अवस्था या स्थानांतरण स्थल और आधार पर आई वी एफ भ्रूण स्थानांतरण निम्नलिखित प्रकार का होता है पहला होता है युग्मनज का अंत फैलोपियन स्थानांतरण तो इसके अंतर्गत भ्रूण अथवा युग्मनज को आठ ब्लास्टोमियर्स अवस्था पर स्त्री के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण किया जाता है दूसरा अंत स्थानांतरण तो इस विधि में भ्रूण आठ ब्लास्टोमियर्स से अधिक प्रायः वाले भ्रूण को स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है अब आती है परख नली शिशु जन्म में समस्या परख नली शिशु जन्म में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है तो परख नली शिशु के जन्म में सिर्फ दंपत्य ही संलग्न नहीं रहते बल्कि सरोगेट मां के गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है अतः स्थिति कानूनी व नैतिक रूप से बहुत ही जटिल हो सकती है इस प्रकार पति के शुक्राणु न मिलने पर किसी अन्य दाता पुरुष के शुक्राणु लिए जाते हैं युग्मक अंत फैलोपियन स्थानांतरण ये युग्मक अंत फैलोपियन स्थानांतरण क्या होता है तो इस तकनीकी का प्रयोग उन महिलाओं में किया जाता है जो लंबे समय से भाज होती हैं किंतु इनमें एक फैलोपियन नलिका होती है यह विधि मुख्यतः अधिक उपयोगी सिद्ध होती है यदि स्त्री के गर्भाशय की झालर अंडाणुओं को पकड़ने में असमर्थ होती है तो यह या फिर स्त्री के गर्भाशय ग्रीवा का सर शुक्राणु प्रतिरक्षक युक्त तो होता है तो इसको हम लोग अपनाते हैं अब अगला आता है अंत कोश द्विशुक्राणु बेलन तो यह क्या होता है तो इस विधि का प्रयोग उन पौधे पौधो प्रयोगशाला में किया जाता है जिसमें संवर्धित माध्यम में अंडाणु रखे जाते हैं तथा शुक्राणु की सीधी बाधित कर दिया जाता है सीधे ही बाधित कर दिया जाता है निषेचन के पश्चात बने भ्रूण या युग्मनज को स्त्री के गर्भाशय या फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है अब आता है कृत्रिम गर्भाधान ये कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है तो इस विधि का प्रयोग उन पुरुषों में किया जाता है जिनके वीर में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है यहाँ पे कम होगा देख लीजिएगा अथवा जो वीर सेचन में असफल रहते हैं ऐसे पुरुष या वीर लेकर संदृत किया जाता है वह अंत में स्त्री के योनि में प्रविष्ट करा दिया जाता है यदि एकत्रित वीर स्त्री के गर्भाशय में स्थापित करा जाता है तो इसे अंत गर्भाशयी वीर सेचन कहते हैं अब आपका आता है उल्भ वेदन तो उल्भ वेदन क्या होता है तो भ्रूण की अनुवांशिक स्थिति भ्रूण के लिंग व अन्य विकृतियों की जांच करना उल्ब कहलाता है भ्रूण के चारों ओर एम्नियोटिक द्रव होता है जिससे भ्रूण की या जिसमें भ्रूण की कोशिकाएं बिखरी रहती हैं भ्रूण के विकास की प्रारंभिक अवस्था में लिंग आदि का जांच कराई जाती है अब आता है उल्व का महत्व तो उल्व का महत्व क्या क्या है तो पहला है लिंग के निर्धारण में तो एमनियोटिक द्रव में भ्रूण में त्वचा की कायिक कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं को, को अभिरंजित करके इसमें उपस्थित बार बांडी की जांच की जाती है यदि बार बांडी टू युक्त तो होती है तो भ्रूण मादा होता है अगला है जन्मजात रोग के लिए तो भ्रूण कोशिकाओं के कैरियोटॉप कैरपिक अध्ययन द्वारा गुणसूत्री विकास जैसे डाउन सिंड्रोम टर्नल सिंड्रोम क्लीने फिल्टर सिंड्रोम आदि का निर्धारण किया जाता है अगला आता है उपापचय विकार तो एमनियोटिक द्रव के एंजाइम्स विश्लेषण द्वारा विभिन्न भी प्रकार के जन्मजात उपापचय विकारों जैसे कि की फिनाइल कीटोन्यूरिया और अल्के प्लोट प्लोटो न्यूरिया आदि की जांच की जा सकती है ये जन्मजात विकार जीन उत्परिवर्तन के कारण या किसी एंजाइम की निष्क्रियता के कारण उत्पन्न होते हैं अब आता है आपका अल्ट्रवेधन का उपयोग तो वर्तमान अल्ट्रावेधन वे, का उपयोग दुरुपयोग भी, भी हो रहा है वर्तमान जो अल्ट्रावेधन का दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा हो रहा है माताएं मादा भ्रूण के सामान्य होने पर भी गर्भपात करा लेती हैं यह एक सामान्य बच्चे की हत्या के समतुल्य है अतः भार भारतीय सरकार ने 1994 में प्रीनेटल डायग्नोस्टिक तकनीकी एक्ट लागू किया है एक जन 1994 से सभी अनुवांशिक सुझाव केंद्रों व प्रयोगशालाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है इस एक्ट का उल्लंघन करने पर आपका यौन संचारित रोग तो कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होता है उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित रोग या रतिज रोग अथवा जनन मार्ग संक्रमण कहा जाता है और कुछ यौन संचारित रोग निम्नलिखित हैं जैसे कि पहला होता है जीवाणु जनित एस रोग तो जीवाणु जनित रोग कुछ प्रमुख संचारित रोग के नाम निम्नलिखित आते हैं जैसे पहला है तो सर्वाधिक रूप में पाए जाने वाला यह आपका क्या होता है रोग कारक होता है यह सर्वाधिक रूप में पाए जाने वाला जीवाणुजनित एस टीडी है यानी कि रोग है इस रोग में पुरुष के पेनिस से गाढ़े मवाद जैसा स्राव होता है तथा मूल त्याग में अत्यंत पीड़ा होती है और स्त्रियों में इस रोग के कारण गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय व मूल नलिकाओं में प्रदाह होता है नेक्स्ट यहाँ पे सुजाक सुजाक क्या है भी रोग है तो इसका जो रो जो रोग कारक होता है वो होता है नाइसोरिया गोनोरिया तो इस रोग का प्रमुख लक्षण यूरोजेनेटिल पथ में स्लेसमा कला में अत्यधिक जनन होता है जलन होता है सॉरी अत्यधिक क्या होता है जलन होता है और रोगी का मूत्र त्याग के समय जलन महसूस होती है सुजाक के लक्षण पुरुष में अधिक प्रभावी होते हैं अगला आता है सिफलिस ये सिफलिस क्या होता है यह एक प्रमुख एस्टडी है यानी कि रोग है तथा यह माता के संक्रमित होने पर अपराध द्वारा भ्रूण में भी स्थानांतरित हो जाता है इसका उद्भवन काल लगभग तीन सप्ताह है यह रोग तीन अवस्थाओं में प्रकट होती है प्रथम एक से छह सप्ताह प्राथमिक प्रावस्था जब जननांगों पर कड़े शुष्क जीवाणु युक्त घाव हो जाते हैं और हमने अभी पप जो पढ़ा वो जीवाणु रहित जनित था अब हम लोग पढ़ेंगे विषाणु जनित एस रोग तो इसमें देखेंगे कौन कौन से तो इसमें निम्नलिखित रोग आते हैं पहला आता है एड्स यह एड्स क्या होता है तो एड्स रेट्रोवायरस या एच आई वी अथवा लिम्फो टाइप, थर्ड थर्ड एंड आदि नामक होता है। इस रोग का जो हमारा उद्भवन काल होता है वो नौ से तीस माह तक होता है इसके लक्षण क्या क्या होते हैं तो इसके लक्षण दो प्रकार के होते हैं एक प्रत्यक्ष लक्षण होता है और दूसरा क्या होता है अप्रत्यक्ष लक्षण तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रत्यक्ष लक्षण तो निरंतर ज्वर पेशियों में दर्द रातों को पसीना आना तथा लसिका ग्रंथियों का चीर अस्थायी विवर्धन लिंग अथवा सेरिसाव जननांगी क्षेत्र में अल्सर या जांघों में सूजन आदि इस रोग के प्रमुख लक्षण होते हैं और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लक्षण अप्रत्यक्ष लक्षण क्या है कम मात्रा में बार बार मल त्याग माल नहीं यहाँ पे मल है माल लिख दिया गया है गुड़स नहीं होता त्याग है ठीक ना पेट दर्द तथा बेचैनी पाचन तंत्र तंत्र संक्रमण लक्षण हैं। तंत्रिका के संक्रमित होने के परिणाम स्वरूप रोगी के सिर में दर्द रहना और स्मित क्षति या बेहोशी तथा एठन इत्यादि क्या होते हैं इसके हमारे एड्स के लक्षण होते हैं तो याद रखना एड्स के कितने लक्षण होते तो दो होते हैं पहला प्रत्यक्ष होता है दूसरा अप्रत्यक्ष होता है अब इसका उपचार क्या है तो वर्तमान समय में एड्स का कोई उपचार नहीं है अगर किसी को एड्स हो जाता है तो इसका उपचार नहीं है लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो एड्स से प्रभावित रोगी रुग, की आयु अगर छह से बारह महीने बढ़ा सकती है यानी कि जीने की जो दर होती है वो बढ़ जाती है इस दवाई को जेड टी यानी कि ए जी डोथाइमी डाइव कहा जाता है अब एचआईवी विषाण के परीक्षण की विधियाँ क्या क्या है कि एचआईवी विषाणु के परीक्षण की जो विधियाँ देखेंगे तो एचआईवी विषाणु के मानव शरीर में आने वाला लगभग छह सप्ताह से तीन सप्ताह तक इसका जैसे ही परीक्षण नहीं किया जा सकता अतः इस समय को विंडो काल कहते हैं तीन माह के बाद एच आई वी विषाणु ई एल टी एस ए टेस्ट अथवा वेस्टर्न ब्रोस्ट टेस्ट आदि विधियों द्वारा ही किया जाता है अगला है टू हेपेटाइटिस बी तो यह रोग द्विरज्जुकी, रज्जु द्वि रज्जुकी विषाणु हेपेटाइटिस बी विषाणु एच भी भी द्वारा होता है इस सं इसका अगर संचारण देखें तो एच के जैसे ही यौन संबंधों संक्रमित रक्त व कायद्रव्य में होता है यह एच से सौ गुना अधिक संक्रामक होता है और इसका उद्भवन काल जो होता है वो बीस से पैंतीस दिन तक होता है इसका लक्षण क्या क्या होते हैं तो थकान जीम मिचलाना पेट दर्द अर्थराइटिस वयुक्त कोशिकाओं के चरण से विलु, विली, रूबिन नामक पदार्थ के मोचित होने से आंखें पीली हो जाती हैं तथा संक्रमण अधिक होने पर सीरोसिस हो जाता है इसका उपचार क्या क्या है तो इसका उपचार देखिए तो वर्तमान में हिपेटाइटिस बी का टीका उपलब्ध है जो सीधे रक्त से तैयार किया जाता है एच टीके में ग्लोबलिन होते हैं जो व्यक्ति के शरीर में निष्क्रिय प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हैं और जीरो एक जीरो यानी कि एक से लेके छ जब से लगेगा एक महीने तक और एक से लेके छ महीने के दौरान तीन खुराक देने से जीवन पर्याप्त प्रतिरोधी बना जा सकता है जीवन पर्याप्त प्रतिरोधी बना जा सकता है अगला आता है जो तीसरा रोग होता है वो होता है जेनिटल हर्पिज तो यह रोग टाइप टू हर्पिज सिंप्लेक्स विषाणु से उत्पन्न होता है इसका लक्षण क्या क्या होता है तो पहला लक्षण होता है इस रोग के प्राथमिक लक्षण जननांगों पर जननांगों पर छाले पड़ जाना व दर्द होना ज्वर मूत्र त्याग में पीड़ा लस्किया ग्रंथियों की सूजन इत्यादि होती है और छालों के फूटने से संक्रमण तेजी से फैलता है अगला होता है आपका आता है फोर जेनिटल वार्ड तो फोर जेनिटल वार्ड क्या है आपका ये चौथा नंबर यह तीसरा नंबर चौथा नंबर है तो यह जेनिटल वार्ड एक जेनेटल हरपिज होता है दूसरा होता है जेनेटल वार्ड होता है यह चौथा नंबर है चौथा नहीं है जैसे मैंने बोला ना फोर जेनिटल वार्ड यानी कि यह चौथा नंबर है ये रोग चौथा नंबर है यह रोग मानो पेपिलोमा एच पी होता है इसका लक्षण क्या क्या होता है तो पुरुष के पेनिस तथा स्त्री के लोबिया यौन गर्भाशय ग्रीवा व गुदा पर मस्से बन जाते हैं ये मस्से अत्यंत छोटे या बड़े पिंड के रूप में हो सकते हैं वर्तमान में एच गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर तथा भग योनि व गुदा में ट्यूमर से संबंधित रोग उत्पन्न कर देता है तो यहाँ पे जो मेरे प्यार बच्चों मानव स्वास्थ्य है जनन स्वास्थ्य यह आपका चैप्टर खत्म होता है अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने के दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें और सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और यहाँ से जाके आप अच्छा सा नोट्स कम्प्लीट कर सकते तो यहाँ पर आपका पूरा पूरा नोट्स खत्म होता है वीडियो और ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को ज़रूर से जरूर सब्सक्राइब करें ओके दोस्तों थैंक यू जय हिंद और ये क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित बायोलॉजी का चैप्टर नंबर थ्री है हिंदी मीडियम वालों के लिए